बहुत बड़ा जबरदस्त होने वाला है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किला मुबारक, ठीक है, पाकिस्तान का एक कदीम पुराना ये किला है, जो काफी किला है वो चल रहा है, वो आपको आज मैं दिखाऊंगा। आइए उसकी सैर करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या है इसका। तो दोस्तों ये वो इलाका है मोह मुबारक का, बहुत ही खूबसूरत और देहात वाला इलाका है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, एक छोटा सा अड्डा भी आपको नज़र आ रहा हो। ये अड्डा जो है ये इस मोह मुबारक की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग अपनी मन्नतें वगैरह लेकर आते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों किले के साथ ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के बीच में एक मस्जिद टाइप है बनी हुई है। और ये जो इलाका है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा अड्डा भी किले के साथ हो जाता है, दुकानें वगैरह, और यहाँ पर रश होता है सोमवार वाले दिन, लोग अपनी मन्नतें बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं। तो ये किले के साथ बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, मोटर बाइक वगैरह अगर खड़ी करनी है तो इन दुकानों के साथ आप खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों ये है वो रास्ता जो पहले किले की तरफ जाता है, एसएसबी के पास ये यही है। तो आइए आप देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसमें चीज़ें छुपी हुई हैं इस किले में, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान के आप किसी दरबार में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, तो ये लोग आपको ऐसे लोग, फ़कीर लोग लाजमी मिलेंगे, जो बेचारे यहाँ पर बैठे होते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ईंटें वगैरह जड़ी हुई हैं, ये एक किस्म की मिट्टी से जड़ी हुई है, और कितना खूबसूरत और कदीम बना हुआ है ये किला। तो ये अभी सीढ़ियाँ जो हैं सीधी जाएंगी उधर दरबार के ऊपर, जहाँ पर लोग बैठे होंगे, आपको अभी नज़र भी आ रहा होगा। मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये कुछ लोग, औरतें वगैरह बैठी हैं दरबार पर, जो यहाँ पर आ। तो फाइनली दोस्तों हम दरबार पर आ चुके हैं, और इस दरबार की सबसे ख़ास बात यह है कि हज़रत मोह मुबारक साहब की जो कब्र है वो 12 से 15 फीट लंबी है। ये एक सहाबा कराम थे, और सहाबा कराम की जो पहले कद थे वो 12 से 15 फीट थे। और जो ये साथ वाली छोटी कब्रें हैं, ये इनके ख़ानदान की है, जो इनके बाद आए हैं इनके अबू आजाद, उनकी ये कब्रें हैं। बाकी इनके मुरीद भी इनके साथ ही मदफन हैं। इस इलाके में इन्हें मानने वाले बहुत हैं, और लोग अपनी मन्नतें वगैरह यहाँ पर लेकर आते हैं, और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, इनसे मांगते हैं, और इनकी मन्नतें जब पूरी हो जाती हैं तो वो सोमवार वाले दिन इनकी दरबार पर आकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। तो यहाँ पर खड़े थे तो यहाँ पर कुछ दोस्त भी मिले, उनसे बातचीत भी की और इनके बारे में जानने की कोशिश भी की। वो कह रहे थे कि हम भी यहाँ पर नए हैं, हमें भी इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, हम भी यहाँ। नहीं, आपका क्या मानना है कि यहाँ पर कौन कह दे? ये कह रहा है मतलब वो कोई जानवर टाइप है। नहीं, एक इधर रहता था, एक ताज घर में रहता था। अच्छा, एक इधर रहता था, एक ताज घर में। यहाँ पर भाई रहता था, उधर बहन रहती थी। अच्छा, मतलब वो भाई बहन। मतलब ये उस इस किले की रखवाली करते थे, या इस किले पे वो किला उनका था, ऐसा क्या कुछ किसी के बारे में पता? कितना नहीं पता बस। तो चलो फिर वो कहाँ गया? अभी भी वो है मौजूद नहीं? वो ये अंदर कोई दूसरी मकान है,
मैं बस इतना मालूम है कि यहाँ पर भाई रहता था और ताजगढ़ में वो भी ऐसा किला है बड़ा हुआ वहाँ पर बहन रहती थी। अच्छा ताजगढ़ में भी ऐसा ही है, बहुत बड़ा है वो भी किला इन्हीं का है, इन्हीं का ही है। बहन भाई थे, बहन बहन भाई, ठीक हो गया। यहाँ भाई रहता था वहाँ बहन, वो किला भी इतनी ऊंचाई पर है। आपने देखा हुआ है, आप है भी इधर देखिए, हमारा काम है इधर। सामने है फैक्ट्री है, अब पता नहीं किस चीज़ की फैक्ट्री है, भाई लोगों को ज़्यादा पता होगा। बस नहीं वहां से खतरा है छोटे, वहां से खतरा है, वहां से गिर जाओगे। ये कुछ पत्ते हैं, कुछ झाड़ियां बनाकर गिर भी गया तो इसमें फंस जाएगा। कहां से कहां से आए थे आप? जाती तो